अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ घिया गोश्त। उसके लिए आपने कुकर के अंदर सबसे पहले एक दरमियाने साइज़ की प्याज काट के डालनी है और एक जुआ लहसुन का। आपने फिर प्याज और लहसुन को फ्राई करना है। जब प्याज और लहसुन फ्राई हो जाएगा तो आपने उसके अंदर मटन ऐड करना है। मटन डालने के बाद आपने उसको थोड़ा सा भूनना है। जब मटन थोड़ा भून जाएगा फिर हम उसके अंदर दो दरमियाने साइज़ के टमाटोज़ काट के डालेंगे। टमाटोज़ डाल के हम उसको दोबारा से अच्छी तरह से भूनेंगे। जब वो भून जाएंगे फिर हम उसके अंदर 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे और ½ टीस्पून हल्दी का डालेंगे। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद आपने उसके अंदर पानी डालना है और फिर उसको 15 मिनट के लिए प्रेशर लगा देना है। 15 मिनट के बाद आप प्रेशर को खोलेंगे और फिर आपने गोश्त को अच्छी तरह से भूनना है। फिर उसके अंदर आपने 1 टीस्पून अदरक का डालना है और अदरक डालने के बाद आप उसको अच्छी तरह से भूनेंगे गोश्त को। फिर उसमें आपने 1 चुटकी कलौंजी की डालनी है। कलौंजी डालने के बाद आपने गोश्त को अच्छी तरह से भूनना है। फिर उसमें आपने ½ टीस्पून गरम मसाला डालना है। आप गरम मसाला अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। फिर आपने गोश्त को अच्छी तरह से भूनना है। जब गोश्त अच्छी तरह से भून जाएगा उसकी खुशबू आने लग पड़ेगी। फिर आपने इसमें से गोश्त की जो बोटियाँ हैं वो निकाल के अलग से साइड पे रखनी है। और फिर जो बाकी मसाला है उसके अंदर आपने घिया काट कर डाल देना है और साथ में आपने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें भी डाल देनी है। फिर इसको आपने थोड़ा सा भूनना है और फिर उसमें पानी ऐड करना है और उसको 10 मिनट के लिए आपने प्रेशर लगा देना है। 10 मिनट के बाद आपने प्रेशर खोलना है और फिर उसके बाद उसमें आपने जो बोटियाँ आपने निकाली हुई थी गोश्त की वो वापस उसमें डाल देनी है और फिर उसको 10 मिनट तक पकाना है। 10 मिनट आप उसको पकाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं उसका पानी खुश्क हो जाएगा। फिर आपने अच्छी तरह से घिया और गोश्त को आपने भून लेना है। जब वो तेल छोड़ देगा आपका घिया गोश्त बिल्कुल रेडी हो जाएगा। थैंक यू सो मच।